हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेल यानी वुड एप्पल का मुरब्बा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेल का मुरब्बा बनाना। बेल का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज के बेल लिए हैं। ये दोनों बेल लगभग 1.25 किलो के होंगे। बेल का मुरब्बा बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेल को छीलकर इसका छिलका अलग करना होगा। बेल का छिलका निकालने के लिए मैंने हथौड़ी का इस्तेमाल किया है। बेल को हथौड़ी से हल्के हाथ से इस तरह से क्रैक करेंगे और बेल में एक ही जगह न मारकर इसे घुमा घुमा कर इसके छिलके में पास पास ब्रेक करना होगा। इस तरह से अब चाकू लीजिए और छिलका को एकदम किनारे से निकालिए। छिलका थोड़ा थोड़ा करके निकालें, नहीं तो बेल टूट जाएगा। इस तरह से सावधानी से इसका छिलका थोड़ा थोड़ा करके निकालें। आप देख सकते हैं कि बेल आसानी से निकल गया है। इसी तरह दूसरा बेल भी निकाल लीजिए। अब बेल को इस तरह से गोल आकार में काट लीजिए। एक बेल को हमने गोलाकार में काट लिया है, अब दूसरे बेल को हम टुकड़ों में काटेंगे। आप इसे अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीस कर सकते हैं। अब गहरे बर्तन में 2 गिलास 700 ml पानी लीजिए और इसे बॉईल होने के लिए रख दीजिए। आंच तेज कर दें और पानी को ढक दें ताकि पानी में जल्दी उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें 600 ग्राम शक्कर डाल दीजिए। शक्कर को मेल्ट होने तक पका लीजिए। शक्कर मेल्ट होने के बाद अब जो हमने बेल के गोल स्लाइस काटे थे उन्हें डाल दीजिए। अब बेल के गोल स्लाइस को 10 से 12 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लीजिए। बीच में एक आध बार पलट दीजिए, इसे बहुत ही सावधानी से पलटें। 8 मिनट हो गए हैं, बेल का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और चाशनी भी हल्की सी गाढ़ी होने लगी। अभी हम बेल को 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। 12 मिनट हो गए हैं और बेल का कलर एकदम डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम बेल के स्लाइस को प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी चाशनी में हम बचे हुए बेल के टुकड़ों को डालेंगे और इसी तरह पकाएंगे। इन्हें भी हम 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। वैसे चाशनी में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लगे कि चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप जब बेल डालें तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। 12 मिनट के बाद बेल के टुकड़े भी पककर तैयार हो गए हैं। इन्हें भी एक अलग बाउल में निकाल लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। और अब हम बेल के मुरब्बा को बिल्कुल ठंडा करेंगे। इन्हें रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना होगा और चाशनी को भी हमें रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना है। तो इन्हें हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद चाशनी को दोनों बाउल में आधा आधा कर छान लीजिए। बेल का मुरब्बा तैयार है। इसे आप अलग अलग जार में भर दीजिए और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी या टिप्स के साथ।